आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो फ्रेंड्स इन दिस क्वेश्चन अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है तो एक जीपी सीरीज जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है मेरी इफ सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज फाइव टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग द ऑट प्लेसेस ठीक है तो क्या किया मैंने क्वेश्चन में कि सारे जो टर्म्स है मेरी जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है उन सबका सम करेंगे तो वो किसके इक्वल है वो फाइव टाइम्स इक्वल है सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूबेंगे आउट प्लेस जो मेरे आउट पे जो टर्म्स है उसके सम के फाइव टाइम्स के इक्वल है मेरा सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जी पी ठीक है हमको कॉमन रेशो बताना है जीपी का ठीक है तो जी पी का जो कॉमन रेशो पहले होता क्या है देखो बेसिकली वो देख लेता हूँ मैं जी पी का जो कॉमन रेशो होता है यानी अगर ए वन ए टू ए थ्री ऐसे ऐसे मेरे नंबर्स हैं तो जो कॉमन रेशो होता है मेरा आर वो होता है ए टू अपन ए वन इसी कॉशू ए थ्री अपन ए टू यानी सेकंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म अपन सेकंड टर्म वो होता है कॉमन रे तो ये बताना है सीरीज़ के लिए जीपी सीरीज के लिए अब हमको की है कि जी सीरीज में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है मेरी सो so मैं लेट कर लेता हूँ कि जो मेरी नंबर ऑफ टर्म्स है वो है ए वन ये मेरी टर्म्स की बन है ए थ्री टिल कहा था ये ए ऑफ टू एन था क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मैंने बोल दिया लेट टू टर्म्स है मेरे जी के अंदर ठीक है यहाँ पर एंड मेरा कोई भी इंटीजर वैल्यू है सो so टू एन मेरा हमेशा इवन नंबर होगा तो ये मेरी ए ऑफ टू एन नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे ठीक है सो so, मैंने बोल दिया कि जीपी में, में मेरी टोटल टू एन टर्म्स है मेरी लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इज टू एन ठीक है टोटल टू एन टर्म्स है जीपी में मेरी वो ये रही ए वन ए टू ए थ्री टिल टू एन ठीक है अब क्या की बनाएं कि जो इन सब नंबर का सम है इन सब टर्म्स का सम है वो किसके इक्वल है फाइव टाइम्स ऑफ सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग द दोट जो मेरी वोट प्लेस पे टर्म्स है उनके इक्वल है इसका सम तो देखो तो कंडीशन बोल सकता हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मुझे इक्वेशन बनेगी मेरी ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डो 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 टिल एफ टू वन ठीक है इन इन सारे नंबर्स का सम मेरा सारे टर्म्स का सम मेरा किसके इक्वल है फाइव टाइम्स ऑफ और प्लेसिस मतलब ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए फाइव प्लस ए सेवन प्लस डो 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 टिल एफ टू एन माइनस वन तक मतलब जो मेरी और प्लेस पे टर्म है उनके फाइव टाइम्स के सम के इक्वल है मेरा सम ऑफ ऑल टर्म्स ठीक है सो so, देखो जीपी की फर्स्ट टर्म होती है मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशो आर हमने बोल दिया हम लेट कर लेते हैं इस सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशो आर है तो ए वन हो जाएगा ए प्लस ए टू हो जाएगा ए आर ठीक है प्लस ए थ्री हो जाएगा क्या ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब ठीक है ऐसे करते करते तक प्लस ए आर की पावर टू एन माइनस वन ये हो जाएगा इन सबका मेरा सम मेरी सारी टर्म्स मेरी ऐसे लिख लेंगे मैं इस गो फाइव टाइम्स ऑफ अब ए वन मेरा ए थ्री हो जाएगा ए आर स्क्वेयर ए फाइव हो जाएगा ए आर की पावर फोर प्लस ए सेवन हो जाएगा ए आर की पावर सिक्स प्लस डोटो डोट टिल ये हो जाएगा ए आर की पावर टू एन माइनस टू अभी मैंने कैसे लिखा है क्योंकि मेरे को पता जनरल टर्म का मेरा फॉमला होता है जी, जी पी सीरीज़ में वो होता है ए आर की पावर एन माइनस वन ये होता है मेरा जनरल टर्म का फॉर्मला ठीक है यहाँ पर एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स तो जब वन एन क्यूली वन रखूंगा तो वन माइनस वन जीरो यहाँ पर ही यह आ जाएगा जब टू रखूंगा टू माइनस वन वन तो ए आर आ जाएगा थ्री रखूंगा तो थर्ड टर्म ए आर स्कूल हो जाएगी फोर्थ टर्म ये हो जाएगी ऐसी फर्स्ट टर्म ये थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म सेवन टर्म ये और नंबर ऑफ ये ओर टर्म्स है मेरी सारी ठीक है अब जो एस एन का फॉमला होता है हमारा जी पी सीरीज के लिए वो क्या होता है वो होता है ए इंटू में वन माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर यहाँ पर एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स मेरा तो इस सीरीज़ के लिए जो सम होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ के लिए लिखूंगा मैं सम इस वाली सीरीज़ के लिए ये कितना हो जाएगा फर्स्ट टर्म ए है ठीक है इस सीरीज़ के लिए वन माइनस अच्छा इस सीरीज के कॉमन कॉम्बेशन क्या है आर है देखो मैंने मैं बोला था कॉमन कॉम्बनडेशन मेरी आर है सो वन माइनस आर की पावर टू एन क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स टोटल टू एन है मेरी यहाँ से ए से लेके यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स टू एन है मेरी ये डिड बाई वन माइनस आर जो सीरीज का सम आएगा वो क्या होएगा अब ये जो सीरीज है इस सीरीज के लिए कॉमन रेशो क्या है आर स्क्र है क्योंकि ये रहेगा ए आर स्क्र अपॉन ए इजी क्वेश्चन ए आर फोर अपॉन ए आर स्क्र तो वो मेरा कॉमन आर के, के आ रही है सो वन माइनस ऑफ आर स्क्र अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है देखो ये एन है कैसे एन है क्योंकि मैंने क्या बोला है कि जी बी जिसने जैसे क्वेश्चन में गिवन था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है इवन में से अगर टोटल इवन टर्म्स है उसमें से आधी ओडोगी और आधी इवन होंगी और ये सारी ओर टर्म्स का सम है तो एन मेरी एन ओडोगी और एन ईवन होगी क्योंकि टोटल टर्म्स टू एन है मेरी ठीक है वन माइनस आर स्क्वायर ओ माइंड आर स्क्वा है मेरी ठीक है तो ये बन गया यहाँ से अच्छा फाइव इंटू ए भी तो आएगा यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म भी ए एस yes की भी ठीक है सो so, देखो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं ए इन टू वन माइनस आर की टू एन अपॉन वन माइनस आर इसी कोशू फाइव टाइम्स ए वन माइनस अभी पावर की पावर मल्टीपिलर होती है हमारी ठीक है वन माइनस आर की पावर टू वन अब ये नीचे देखो ये वन माइनस आर है अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वन स्क्वेयर माइनस आर तो ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है मेरा टर्म देखो दोनों साइड से मेरा एक तो ए से ए कैंसिल हो रहा है फिर ऊपर ये नोमीटर कैंसिल हो रहा है मेरा और डिनोमीटर में वन माइनस आर से वन माइनस आर कैंसिल हो रहा है सो क्या मिल रहा है वन इज टू फाइव अपॉन वन प्लस आर और वन प्लस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ओके थैंक यू फ्रेंड्स क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई, आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर